दरअसल बॉलीवुड में शादी, प्यार या एक्टिंग की कोई उम्र नहीं होती। किसी भी उम्र में स्टार्स कुछ भी कर जाते हैं। बात अगर एक्टिंग की करें तो बहुत से एक्ट्रेस ऐसे हैं जिन्होंने न केवल 50 या 60 के बाद बोल्ड सीन दिए, बल्कि खुद से आधी उम्र के एक्ट्रेस संग इंटीमेट सीन्स भी दिए। इसमें एक नाम अमिताभ बच्चन का भी आता है। अमिताभ ने 60 की उम्र में खुद से करीब 36 साल छोटे एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ डायरेक्टर संजय लीला भंसाली की फिल्म ब्लैक में लिपलॉक किया था। जबकि कभी इस एक्ट्रेस संग अभिषेक बच्चन की शादी के बाद भी हुई थी। साल 2005 में आई फिल्म ब्लैक के लिए अमिताभ बच्चन को नेशनल अवार्ड भी मिला था। वहीं रानी मुखर्जी को बेस्ट एक्ट्रेस के लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। रानी इस फिल्म में मुखबधिर का रोल कर रही थी और अमिताभ उनके ट्रेनर थे। खास बात यह है कि इस फिल्म में काम करने के लिए अमिताभ ने भंसाली से कोई फीस नहीं ली थी, लेकिन इस फिल्म का अमिताभ और रानी का एक सीन ऐसा था जिसे देखकर उनकी फैमिली ही नहीं दर्शक भी हैरान हुए। हैरानी का कारण था अमिताभ और रानी का लिप लॉक, जबकि रानी का नाम उस वक्त अभिषेक बच्चन के साथ जुड़ा हुआ था और दोनों की शादी तक की बात उठने लगी थी। न्यूज के अनुसार रानी और अभिषेक बच्चन फिल्म युवा के दौरान करीब आए थे और जया भी बंगाली बहू लाने के पक्ष में थी, लेकिन ब्लैक का इस किसिंग सीन के कारण ही अभिषेक और रानी का रिश्ता खत्म हो गया था। आपको बता दें कि पहले फिल्म ब्लैक में करीना कपूर को अमिताभ बच्चन के अपोजिट लिया जा रहा था, लेकिन अमिताभ ने करीना संग काम करने के लिए मना कर दिया था। तो कि दोस्तों, अमिताभ बच्चन और रानी मुखर्जी के इस इंटीमेट सीन के बारे में आप क्या कहना चाहोगे, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।